जज्बा ईमान का हर दिल में जगाने वाले, जज्बा ईमान का हर दिल में जगाने वाले। खुद रहे भूखे जमाने को खिलाने वाले, ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले। मगर ये बात भी है, थे बहुत नजर वाले, हर एक को देखा कहा मुकाबला ना करो, मोहम्मद छाट के लाए हैं अपने घर वाले। ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले, ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले, ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले, ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने। साथ जिनको ले नहीं जाते वो क्यों शिकवा करें, हुक्म तो है सिर्फ अपनों का, पैगंबर क्या करें। नफस में उसको लिया है नाम जिसका है अली, देख लें सूरत तो असना में हरम सजदा करें। औरतों में चादरे तत्हीर वाली फातिमा, गर्रिदा हट जाए तो महरुमा खुद पर्दा करें। लाए हैं बेटों में एक शब्बर को एक शब्बीर को, जिनकी खिदमत के लिए खुद रूहुल अमीन आया करें। इनके क्या भला रानियों की है बिसात, बद्दुआ कर दे तो दुनिया को तहोबाला करें। ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले, 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 ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले। खैबर कुशा यकीन का पैकर वो बूतराब, तारीख की जबी पे है फतेह मुबीन कबाब, सर चश्मे निजात बशर रूह इनकलाब, जिसके वजूद से है रुखे दी का आफताब, जिसका करम जहां के लिए आम हो गया, खतरों को ओढ़ कर जो सरे शाम सो गया। ऐसे होते मोहम्मद के घराने वाले, ऐसे होते हैं 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 मोहम्मद के घराने वाले। क्या खूब ये वाकया अली मुर्तजा कहे, क्या मर्तबा जहान में मुश्किल कुशा कहे। मसरूफ एक जंग में थे शेर किबरिया, लश्कर के पास पानी उनके नहीं रहा। कुछ लोग दाएं बाएं को दौड़े इधर उधर, हजरत अली ने सहरा पे डाली जो एक नजर। देखा दरे कलीसा पे राहिब खड़ा है एक, पानी को उससे पूछा तो बोला वो मर्दे नेक। 6 मील दूर पानी का चश्मा यहां से है, शादाब वो इलाका उस आबे रवा से है। ये सुन के बोले साथ ये मुश्किल कुशा अली, दो हमको अब इजाजत ऐ अल्लाह के वली। है अर्ज इससे पहले के कुव्वत अपनी कम, पाए रसाई पानी तलक खैरियत से हम। हजरत अली ये बोले के हाजत है इसकी क्या, तुम जाओ इतनी दूर जरूरत है इसकी क्या। फिर सूए मगरिब आपने खच्चर का रुख किया, बोले उधर को देख के ये शेरे किबरिया। खोदो जमीन पानी मिलेगा तुम्हें यहाँ, थोड़ी जमीन खोदी तो देखा ये नागहां, पत्थर है एक बड़ा सा वहां पे अड़ा हुआ, जैसे हो वो जमीन के अंदर गड़ा हुआ। हर चंद उसे हटाया मगर वो ना हट सका, गोया किसी भी हर्ब से पत्थर ना कट सका। हजरत अली ने फिर कहा हिम्मत से काम लो, पानी है इसके नीचे ये पत्थर उखाड़ दो। ये सुन के पूरा जोर सभी ने लगा दिया, पत्थर को उस जगह से न कोई हिला सका। देखा जो ये माजरा तो उसी आन मुर्तजा, खच्चर से नीचे उतरे बसद शान मुर्तजा, फिर आस्ती चढ़ा के बड़े यूं शहे जमा।
पत्थर के नीचे डाल दी हैदर ने उंगलियां और उंगलियों से अपनी वो पत्थर उठा लिया। एजाज था ये कुव्वते परवरदिगार का, ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले। अपनी वो पत्थर उठा लिया, एजाज था ये कुव्वते परवरदिगार का। पत्थर हटा तो पानी वहां से निकल पड़ा, गोया जमी से चश्मा रहमत उबल पड़ा। पानी वो ऐसा ठंडा था, मीठा था, मरहबा, ऐसा सफर में पानी किसी को मिला न था। फिर सबने जितना चाह पिया और भर लिया, मशकीजों को भी पानी से लबरेज कर लिया। पत्थर को फिर उसी जगह हैदर ने रख दिया, चश्मे पे उसको फातहे खैबर ने रख दिया। वो राहिबे कलीसा इस अहवालो हाल का, वो राहिबे कलीसा इस अहवालो हाल का। अब तक वो कर रहा था अदब से मुशाहिदा, आया वो चल के खुद अली हैदर के सामने की अर्ज उसने फातहे खैबर के सामने। मुरसिल है कोई आप, मुरसिल है कोई आप, फरिश्ते हैं या नबी, इंसान तो आपकी तरह देखा नहीं कभी। बोले अली, फरिश्ता नहीं मैं, नबी नहीं, लेकिन है उनके नूर से रोशन मेरी जबी। मैं हूं वसी जनाब रिसालत माब का, उनसे मिला खिताब मुझे बूतुराब का। वो आखिरी नबी जो खुदा के हबीब हैं, ये फजल रब है उनसे बहुत हम करीब हैं। राहिब ये बोला हाथ अब अपना बढ़ाइए, राहिब ये बोला हाथ अब अपना बढ़ाइए, इस्लाम था के हाथ पे लाऊं मैं आपके। फौरन अली ने हाथ फिर अपना बढ़ा दिया, राहिब ने कलमा अशहदो अल्लाह को पढ़ा। राहिब से बोले मुर्तजा अब ये बताओ, तुम बरसों ही अपने दीन पे कायम रहे हो, तुम बेशक हो अपनी कौम के तुम एक राहबर, इस्लाम क्यों कबूल किया मेरे हाथ पर। ये सुन के दिया आपको राहिब ने यूं जवाब, बुनियाद इस कलीसे की थी इसलिए जनाब। रहते थे मुझसे पहले भी राहिब कई यहाँ, रहते थे मुझसे पहले भी राहिब कई यहाँ, था इंतजार उन्हें भी ये सैयदुज़्ज़मा। मैंने भी आसमानी किताबों में है पढ़ा, और अपने आलिमों से हजरत है ये सुना। एक चश्मा है जमीन के नीचे छुपा हुआ, नादीदा उस पे एक पत्थर रखा हुआ। पत्थर वो या तो कोई पयंबर उठाएगा, या फिर उसे वसी पयंबर उठाएगा। जब आपने अमीर वो पत्थर उठा दिया, तो मैंने अपना गौहरे मकसूद पा लिया। जब आपने अमीर वो पत्थर उठा लिया, तो मैंने अपना गौहरे मकसूद पा लिया। राहिब ने ये अली को बताया था इस कदर, आप इतना रोए हो गए दाढ़ी के बाल तर। बोले बोले वो बाद हम्द के ऐ रब्बे दो जहां, शत शुक्र भूला बिसरा नहीं मैं तेरे यहां। हो क्यों ना सर पर सजदा वो उसकी जनाब में, है तज़करा अली का खुदा की किताब में। ऐसे होते हैं मोहम्मद घराने वाले, ऐसे होते हैं मोहम्मद के 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 घराने वाले। निगाहे खल्क में आली मकाम हो जाए, शरीके आले रसूले अनाम हो जाए। कमर खुदा ने ये रुतबा दिया है जहरा को, जिसे ये दूध पिला दे इमाम हो जाए। ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले, ये वाकया सुन लीजिए जरा।
اے مومنوں یہ واقعہ سن لیجئے ذرا، سچی کتاب جامعہ معجزات میں لکھا، اللہ کے رسول کی بیٹی کی بات ہے، دونوں جہاں میں جن کی بڑی پاک ذات ہے، قربان ان پہ رب کی یہ سب کائنات ہے، ہر حال میں ہے شکر یہ ان کی صفات ہے۔ حسنین جن کے بیٹے ہیں شوہر ہیں مرتضی، اب کیا بیان کرے گا قلم ان کا مرتبہ، بابا کے غم میں رہتی تھی ہر وقت سیدہ، بیمار جب زیادہ ہوئی بی بی فاطمہ، مولا علی نے ان سے وصیت میں یہ کہا، پہنچو جو تم قریب نبی کے اے سیدہ، پہلے نبی سے کہنا ادب سے میرا سلام، بعد از السلام ان سے یہ کہنا میرا پیام، مشتاق میں بھی ملنے کا بے حد ہوں مصطفیٰ، ہو جائے یہ قبول میرے دل کا مدعا۔ سن کر یہ بات مالک جنت نے یہ کہا، میری بھی ایک تم کو وصیت ہے مرتضی، ہو جائے جب اے شیر خدا میرا انتقال، رونا نہ میرے واسطے نہ کرنا تم ملال۔ ایک دن سبھی کو جانا ہے، ہے رونے کا کیا سوال، اور دیکھو سونپے جاتی ہوں میں تم کو دونوں لال، بچوں کو مارنا نہ کبھی میرے بھول کے، دونوں ہیں یہ کلیجے کے ٹکڑے رسول کے۔ ایک خاص بات اب یہ کہتی ہوں مرتضی، میں نے بہت سنبھال کے ایک پرچہ ہے رکھا، میرے کفن میں پرچہ وہ رکھ دے نہ مرتضی، اور خاص بات یہ ہے وہ پڑھنا نہ مرتضی۔ حیران ہوئے یہ سنتے ہی مشکل کشا علی، اور فاطمہ سے بولے یہ شیر خدا علی، پیارے نبی کی آپ کو دیتے ہیں ہم قسم، اس راز کو بتاؤ ہیں بے چین اب تو ہم۔ مولا علی سے کہنے لگی پھر یہ فاطمہ، مولا علی سے کہنے لگی پھر یہ فاطمہ، ہونے لگا تھا آپ سے جس دم میرا نکاح، اس وقت آ کے کہنے لگے مجھ سے مصطفیٰ، سنو علی سے عقد تمہارا ہے فاطمہ، ہے 400 مثقال فقط مہر چاندی کا، منظور ہے تمہیں یہ بتلاؤ سیدہ۔ پیارے نبی سے اس طرح کہنے لگی بتول، منظور مہر تو نہیں پر ہیں علی قبول۔ اتنے میں آ کے بولے یہ جبریل باصفہ، اتنے میں آ کے بولے یہ جبریل باصفہ، اللہ کے رسول یہ کہتا ہے کبریا، بیٹی سے کہہ دو مہر میں جنت کو دے دیا، بیٹی سے کہہ دو مہر میں جنت کو دے دیا، پر فاطمہ نے اس کو بھی منظور نہ کیا۔ بولے نبی یہ بیٹی سے للہ سناؤ تو، بولے نبی یہ بیٹی سے للہ سناؤ تو، ہو کیسا مہر عقد کا تم یہ بتاؤ تو۔ بولے نبی یہ بیٹی سے للہ سناؤ تو، کیسا مہر ہو عقد کا تم یہ بتاؤ تو۔ فرمایا سیدہ نے سنو اے میرے پدر، تم پہ فدا یہ جا میری اے سید البشر، میں چاہتی ہوں مجھ کو خدا ایسا نقش دے، بدلے میں مہر کے خدا امت کو بخش دے۔ ہم آسیوں پہ زہرا کی ہے کس قدر نظر، یہ چاہتی ہیں بخش دے رب امت پدر۔ پھر آئے جبرائیل نبی کے قریب اتر، فرمان رب کا پرچہ دیا ان کو چوم کر، یہ پرچہ تب سے ہی تو حفاظت سے رکھا ہے، اس پرچے میں خدا کا یہ فرمان لکھا ہے، جعل تو شفاتا ام ہی محمد صداقہ فاطمہ، میں نے امت محمد کی شفاعت فاطمہ کا مہر مقرر کیا۔ اللہ نے رکھی ہے لاج یوں بتول کی، امت کو بخش دینے کی عرضی قبول کی، ہر فاقے اور غم میں بس اللہ کا ذکر ہے، ہر حال میں رسول کی امت کی فکر ہے۔ ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے، 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 ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے۔
उन पे इतना मेहरबा क्यों खालिते अकबर न हो, कोई भी जिसके पिदर के बाद पयंबर न हो, मुंतजिर हो खातमे मुरसिल शिफात के लिए, फातिमा जब तक न आए पुरसिशे महशर न हो। ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले, 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 ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले। हसन ये कहते थे कर ले जफा जफा वाले, खुदा का राज बताते नहीं खुदा वाले, सवाल मुझसे जो करते हो सुलह क्यों कर ली, जवाब इसका तुम्हें देंगे करबला वाले। जवाब हक भी कवि था मगर सुबक जाता, बुरा जमाना था खूनरेजियों पे झुक जाता, इमाम वक्त की ये कुव्वत थी जो खामोश रहे हसन, जो लड़ते जिहादे हुसैन रुक जाता। ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले, 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 ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले। घर के घर को बुरा है हम पे फिदा करते हैं, घर के घर को हर हाल में वो शुक्रे खुदा करते हैं, और हर हाल में वो शुक्रे खुदा करते हैं, तीरों के साए में वो सजदे अदा करते हैं, तीरों के साए में वो सजदे अदा करते हैं। जोर बातिल को जमाने से मिटाने वाले, ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने 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 वाले। जो था वो राह हक में सभी कुछ लुटा दिया, बाकी न कुछ बचा तो सर अपना झुका दिया। ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले, 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 ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले। हुसैन हुस्ने तखय्युल पे छाए जाते हैं, हुसैन हुस्ने तखय्युल पे छाए जाते हैं, दिलों में दर्द की दुनिया बसाए जाते हैं। शहीद हक के सखावत ने कर दिया साबित खुदा की राह में यूं घर लुटाए जाते हैं, ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले, 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 ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले। नजर में प्यार अदा उस पे मुस्कुराने की, नजर में प्यार अदा उस पे मुस्कुराने की, ये बातें सब हैं पयंबर का दिल बढ़ाने की। रसूल कैसे ना शब्बीर को अजीज रखें, यही तो शक्ल है उम्मत को बख्शवाने की। रसूल कैसे ना शब्बीर को अजीज रखें, यही तो शक्ल है उम्मत के बख्शवाने की। कोई बचपन में ये शब्बीर का कहना देखे, नाना किस दिल से तुम्हें गम में नवासा देखे, किस लिए इतने परेशान हो जरा हश्र तो हो, यूं छुड़ा लाऊंगा उम्मत को के दुनिया देखे। ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले, 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 ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने।
जाम अजल को हंस के पिया है हुसैन ने, बातिल से लोहा यूं भी लिया है हुसैन ने, उस राज तक रसाई और अकले यजीद की, सर दे के खुद को जिंदा किया है हुसैन ने, सीना सिपर है आज भी बातिल के सामने, ये अज़्म हक को किसने दिया है हुसैन ने, सब्र रजा के जाम पिला के लबे फरात, सैराब तिश्नगी को किया है हुसैन ने, अज़्मो यकीन सब्र रजा जुस्तुजू अमल, इंसानियत को क्या ना दिया है हुसैन ने, सर राह हक में दीजिए बातिल मिटाइए, दुनिया को ये पयाम दिया है हुसैन ने, अपने जिगर के टुकड़ों से और अपने खून से तामीर कसरे दी को किया है हुसैन ने, ऐसे होते मोहम्मद के घराने वाले, ऐसे होते हैं 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 मोहम्मद के घराने वाले। वो करबला की रात वो जुल्मत डरावनी, वो मर गए बेपनाह के साए में जिंदगी, खेमों के गिर्दो पेश पुरहौल खामशी, खामोशियों में दूर से वो चाप मौत की, थी पुश्ते वक्त बारे अलम से झुकी हुई, अर्जो समा की सांस थी गोया रुकी हुई, वो अहले हक की तिश्ना दहा मुख्तसर सिपा, बातिल का वो हुजूम के अल्लाह की पनाह, वो जुल्मतों के दाम में जहरा के महरुमा, तारे वो फरते गम से झुकाए हुए निगाह, वो दिल बुझे हुए वो हवाएं थमी हुई, वो एक बहन की भाई पे नजरें जमी हुई, लबरेज जहरे जोर से वो दस्त का अयाब, दुखते हुए वो दिल वो तपते हुए दमाव, आंखों की पुतलियों से आया वो दिल के दाग, पुरहौल जुल्मतों में वो सहमे हुए चराग, बिखरे हुए वो गेसू रसूल के तारों की रोशनी में वो आंसू बुतूल के, वो रात वो फरात वो मौजों का खल्फशार, आबिद की करबटों पे वो बेचारगी का बार, वो जलजलों की जद पे खवातीन का वकार, असगर का पेचो ताब वो झूले में बार बार, असगर में पेचो ताब न था इस तराब का, वो दिल धड़क रहा था रिसालत माब का, तारीख दे रही है ये आवाज दम बदम, दश्ते सिबा तो अज़्म है दश्ते बलाओ गम, सबरे मसीह हो जुर्रत सुकरात की कसम, इस राह में है सिर्फ एक इंसान का कदम, जिसकी रगों में आतिशे बद्रो हुनैन है, उस सूरमा का इसमें गिरामी हुसैन है, पानी से तीन रोज हुए जिसके लबनतर, तेगो तबर को सौंप दिया जिसने घर का घर, कुर्बान है जो हक की इज्जत के नाम पर, जिल्लत के आस्तान पर झुकाया मगर नसर, ली जिसने सांस रिश्ते शाही को तोड़कर, जिसने कलाई मौत की रख दी मरोड़कर, ऐसे होते मोहम्मद के घराने वाले, ऐसे होते हैं 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 मोहम्मद के घराने वाले। जिसका हुजूम में दर्द अलम से ये हाल था, सीना था पाश पाश जिगर पाए माल था, रुख पर था तिश्नगी का धुआं दिल ने ढाल था, इस कर्ब में भी जिसको फकत ये ख्याल था, आतिश बरस रही है तो बरसे खयाम पर, आने न पाए आंच मगर हक के नाम पर, हर चंद अहले जौर ने चाहा ये बारहा, हो जाए महवे याद शहीदान करबला, बाकी रहे ना नाम जमी पर हुसैन का, लेकिन किसी का जोर अजीजो न चल सका, अब्बास नाम भर के लहू से धुला हुआ, अब भी हुसैनियत का अलम है खुला हुआ, ऐसे होते मोहम्मद के घराने वाले, ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले, ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले, खुद रहे भूखे जमाने को खिलाने वाले, ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले, ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले, ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले,
ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले, ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले, ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने।